आखिर माँ क्यों नहीं देखती अपने ही बेटे के फेरे। पुराने जमाने की इस वजह से बना था ये अजीब नियम। नमस्कार, स्वागत है आपका धर्म विज्ञान पर। मैं हूँ कीर्ति राजपूत। एक नया टॉपिक आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों में से 4 महत्वपूर्ण संस्कार होते हैं, जिनमें से एक है शादी। शादी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र रिवाज में से एक है। हिंदू धर्म में शादियों का बेहद खास महत्व होता है। शादी के दौरान कई रीति रिवाज निभाए जाते हैं, जैसे कन्यादान, 7 फेरे और गृह प्रवेश आदि। इन सभी रस्मों का बेहद खास महत्व होता है। इन्हीं रीति रिवाजों को पूरा कर शादी संपन्न मानी जाती है। शादियां केवल 2 लोगों का ही नहीं, बल्कि 2 परिवारों का मिलन होता है। इसलिए 7 जन्म के इस खास रिश्ते से कई प्रथाएं जुड़ी हुई हैं। शादी में घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि बेटे की शादी में माँ शामिल नहीं होती, अर्थात माँ अपने बेटे के फेरे नहीं देखती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? क्यों एक माँ ही अपने बेटे की शादी में नहीं जाती है? एक माँ के लिए अपने बेटे की शादी बेहद खास होती है, लेकिन फिर भी वो इस खास दिन का हिस्सा नहीं बन पाती हैं। इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमने जाने माने एस्ट्रोलॉजिस्ट पंडित हितेंद्र कुमार शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि ये परंपरा सदियों से नहीं चली आ रही है। इस प्रथा की शुरुआत मुगल शासन के दौरान हुई थी। आइए जानते हैं क्यों माँ अपने ही बेटे की बारात में नहीं जाती, क्यों वो अपने ही बेटे के फेरे नहीं देखती। बता दें कि पहले के समय में माँ अपने बेटे की शादी में जाती थी, लेकिन जब भारत में मुगलों का आगमन हुआ, इसी के बाद से माँ अपने बेटे के फेरे नहीं देखती। मुगल शासन के दौरान जब महिलाएं बारात में जाती थी तो पीछे से कई बार डकैती और चोरी हो जाती थी, जिसके बाद से घर की रखवाली के लिए महिलाओं ने घर पर रहना शुरू कर दिया। इसके साथ ही शादी के दिन रात में सभी महिलाएं मिलकर मनोरंजन के लिए गीत गाती थी। बता दें कि बेटे की शादी में माँ का शामिल ना होने का कारण घर की देखभाल करना होता था, क्योंकि घर के सभी लोग शादी में चले जाते थे। पीछे से घर की देखभाल और मेहमानों की जरूरत का ध्यान रखने के लिए माँ घर पर ही रुक जाती थी। गृह प्रवेश भी है एक कारण। शादी संपन्न होने के बाद जब दुल्हन सुबह अपने घर ससुराल पहुंचती है तो गृह प्रवेश किया जाता है। इस दौरान दुल्हन की पूजा की जाती है और कलश में द्वार पर चावल रखे जाते हैं। इस कलश